अपनी गुहार लेकर परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची यह महिला थाना राया क्षेत्र के भूड़ासानी गांव की रहने वाली है, जिसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने बलात्कार का प्रयास किया। लगभग एक सप्ताह पूर्व उसकी बेटी खेत में शाम के दौरान बरसी काट रही थी, तभी गांव का रहने वाला युवक ब्रजेश वहां आधमका और उसकी बेटी के साथ दुराचार का प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह बचकर भाग निकली। इस घटना का पता लगने पर जब परिवार के सदस्य शिकायत करने पहुंचे तो दबंग युवक और उसके परिवारजनों ने परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की। इस पर पीड़िता का चाचा जब तहरीर लेकर थाना राया पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के चाचा के साथ मारपीट करते हुए उसे हवालात में बंद कर दिया और तहरीर बदलते हुए उससे जबरन अंगूठा लगवा लिया। इस मामले में एसएसपी द्वारा सीओ मार्ट को जांच सौंपी गई है। अब देखना होगा कि सीओ मार्ट की यह जांच पीड़िता को न्याय दिला पाती है या नहीं। मेरी लड़की खेत में गई थी बरसी काटने के लिए, ब्रजेश ने अकेला दे करके उसको पकड़ के नीचे गिराकर बुरा काम करने लगा। मेरी लड़की से मना कर दी कि घर मत बताना, मेरी लड़की ने आवाज़ दी तो मैं आई, तो मैं उसको पकड़ने के लिए गए तो हाथ नहीं आया। उसके घर से काट करने गई तो खूब छेड़ा छाड़ी की, मारपीट की। तो ननद है मेरी, एक लड़की है मैं हूँ, तो बुन्ने सबने मारपीट की छेड़ा छाड़ी करके। मैंने 3 बार पुलिस बुलाई थी राया थाने की, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। ठीक है, मेरे आदमी परदेश रहते हैं, मेरे सबसे बड़े वाले जेठ को खालिस मार गई है, मेरे घर पे कोई आदमी नहीं। तो आपने अधिकारियों से शिकायत की? तो उनने कोई वो नहीं किया, थाने में कोई वो सुनवाई नहीं की। फिर आप यहाँ मिली? यहाँ थाने मिली, यहाँ पे मिली, एसएसपी के यहाँ पे मिली, उनने कोई सुनवाई नहीं की। मेरी रिपोर्ट और थी, लेकिन और दूसरी रिपोर्ट मेरा भाई गया 5 तारीख को एफआईआर लेके, उसको थाने में 2 थप्पड़ मार के थाने में बंद करके उस पर जबरन साइन करवा लिए।